हेलो व्यूअर्स, आप सबका खुश आमदीद और भलीकार है सिंधी रदरे में। अगर आप मेरी आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आज मैं आपके साथ बेसन पैनकेक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें जो चीज़ें शामिल होंगी वो मैं आगे आगे रेसिपी में शेयर करती जाऊँगी। आज मैं आपके साथ बेसन पैनकेक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने 4 टेबलस्पून बेसन लिया है और ये मैंने 2 अंडे लिए हैं, तो मैं इसमें 2 अंडे डालूंगी। उसके बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा, और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और ये मैंने फोर्क लिया है और इसको मैं इससे बीट करूंगी। इसको आपको बेसन को और अंडे को अच्छे से मिक्स करना है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, तो इसको हम पानी डाल के इसका बैटर नॉर्मल करेंगे। और उसके बाद मैं इसमें चॉप की हुई प्याज डालूंगी और धनिया। अब उसके बाद हम प्याज और धनिया को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और ये हमारा पैनकेक का बैटर रेडी हो चुका है। और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब ये मैंने एक पैन लिया था और ये हमारा पैन गर्म हो चुका है, तो पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर फैलाएंगे और उसके बाद हम इसमें ऊपर बटर डालेंगे। उसके बाद आपको इस तरीके से आपको स्लो स्लोली स्प्रेड करना है, क्योंकि ये जो पैनकेक है जितना पतला होगा उतना ही अच्छा और टेस्टी होगा। अब इसका हमने फ्लेम स्लो पे रखा हुआ है। ये गरम गरम बेसन पैनकेक खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये पैनकेक आप किसी भी टाइम बना के खा सकते हैं और ये पैनकेक आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल पर लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और ये पैनकेक अपनों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।